स्प्रेड लव एवरीवेयर यू गो, लेट नो वन एवर कम टू यू विदाउट लीविंग हैप्पियर। ये शब्द एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिन्होंने महज 12 साल की उम्र में ये ठान लिया था कि वो समाज सेवा के लिए ही जिएंगी। उनके इसी सेल्फलेस स्वभाव के कारण पूरी दुनिया आज उन्हें पीस और मदरहुड का सिंबल मानती है। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट, हम बात कर रहे हैं मदर टेरेसा की, हु डिवोटेड हर लाइफ फॉर द नीडी एंड अंडर प्रिविलेज्ड। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम आनियेस गोंचे बोयाजियो है, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया के स्कोपिया शहर में हुआ था। छोटी सी उम्र से ही मदर टेरेसा मिशनरीज, यानी एक रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल जो सोशल वर्क्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उनसे काफी इंस्पायर्ड थी और इसी वजह से 12 साल की उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी रिलीजियसली बिताएंगी। सन 1929 में जब मदर टेरेसा 19 साल की थी, वो भारत आई जहां उन्होंने क्रिश्चियनिज्म की ट्रेनिंग ली। इस दौरान टेरेसा दार्जिलिंग के एक कॉन्वेंट में रही और पास ही उपस्थित सेंट मेरी स्कूल फॉर गर्ल्स में वो पढ़ाती भी थी। 1944 तक वो ईस्टर्न कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल की हेडमिस्ट्रेस बन चुकी थी। उन्हें बच्चों को पढ़ाना और उनके बीच रहना काफी अच्छा लगता था, मगर पास ही मौजूद स्लम की पुअर कंडीशंस उन्हें काफी विचलित भी करती थी। 1943 में बंगाल फैमिन और 1946 में हिंदू मुस्लिम वायलेंस के चलते हजारों लोगों ने अपनी जानें गवा दी, जिसे देखकर टेरेसा ने फैसला लिया कि वो उन्हीं अंडर प्रिविलेज्ड और नीडी लोगों के बीच रहकर उनकी मदद करेंगी। मदर टेरेसा देन वेंट टू पटना टू रिसीव हर बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग एट होली फैमिली हॉस्पिटल एंड रिटर्न टू कलकत्ता इन 1948। उन्होंने गरीबी से जूझ रहे लोगों को इस कदर फील किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन्हीं के साथ उन्हीं की तरह रहेंगी। इस दौरान ना उनके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही पैसे। इसी बीच उन्होंने ब्लू बॉर्डर्स की सफेद साड़ी पहनना शुरू किया। ड्यूरिंग दिस टफ टाइम मदर टेरेसा रोट दैट शी ऑफन फेल्ट टू डिफिकल्ट टू होल्ड ऑन टू द हार्श सिचुएशंस एंड द कंफर्ट ऑफ द कॉन्वेंट यूज्ड टू ल्योर हर। पर जब वो सामने गरीबों को उसी हाल में देखती थी, तब उन्हें उन्हीं का सहारा बनने का मन करता था। 1948 में उन्हें फाइनली भारत की नागरिकता मिली, जिसके बाद 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का मोटो था टू हेल्प द पुअर, टू फीड द हंग्री, टू प्रोवाइड होम टू द होमलेस एंड टू लव द अनलव्ड। मदर टेरेसा और उनकी कम्युनिटी ने इस दौरान बच्चों के लिए ओपन एयर स्कूल्स खोले जहां बच्चों को पढ़ाया जाता था और लेप्रेसी और HIV एड्स से पीड़ित लोगों की मदद की जाती थी, जिन्हें सोसाइटी ने नकार दिया था। Her efforts soon received recognition and appreciation around the country, after which many came forward with donations and other aid. 1952 में Calcutta officials की मदद के साथ मदर टेरेसा ने diseased और terminal illness से जूझ रहे लोगों के लिए एक abandoned मंदिर को घर में तब्दील किया, जिसका नाम उन्होंने कालीघाट द होम ऑफ द प्योर हार्ट रखा। ये आश्रम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका था, जहां रोज नमाज से लेकर प्रार्थना होती थी। इस आश्रम में मेडिकल एड के साथ साथ लोगों को उनकी अंतिम घड़ियों में सहारा दिया जाता था। इसके बाद टेरेसा ने लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए शांति नगर द सिटी ऑफ पीस और होमलेस एंड ऑर्फन बच्चों के लिए निर्मला शिशु भवन भी खोला। यहां लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए घर के साथ साथ मुफ्त में दवाई और ड्रेसिंग प्रोवाइड की जाती थी, और वहीं निर्मला शिशु भवन में बच्चों को घर, खाना, पढ़ाई और प्यार मिलता था। After this, Mother Teresa became a global name to reckon with. उन्होंने 1965 में वेनेजुएला, 1968 में इटली, तंजानिया और ऑस्ट्रिया एंड देन 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में द मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हाउसेस खोले, जहां उनका मकसद पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और नीडी पीपल की मदद करना था। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी कुछ इसी तरह लोगों की मदद करने में गुजारी, जिसके लिए उन्हें खुद ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इन्हीं वजहों के लिए लोगों ने उन्हें मदर टेरेसा का नाम दिया। उनके इन्हीं सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन के चलते 1962 में उन्हें पद्मश्री और 1969 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1980 में मदर टेरेसा को इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
यानी भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा हैज ऑल्सो बीन शावर्ड विद न्यूमरस ग्लोबल अवार्ड्स, अमंगस्ट विच वन इज द नोबेल पीस प्राइज। मदर टेरेसा अपनी अंतिम सांस तक मिशनरी ऑफ चैरिटी से जुड़ी रही, जहां शुरुआत 1950 में 13 मेंबर्स के साथ हुई थी। आज मिशनरी ऑफ चैरिटी के साथ करीब 5,167 मेंबर्स जुड़े हैं और ये अब भी 133 कंट्रीज में एक्टिव है। मदर टेरेसा 87 साल की उम्र में 5 सितंबर 1997 को चल बसी। साल 2010 में उनके 100th बर्थ एनिवर्सरी के दिन भारत सरकार ने उनकी तस्वीर के साथ 5 रुपए के कॉइन्स इशू किए, which was also the exact amount that Mother Teresa had when she first arrived in India. भारत की ना होकर भी मदर टेरेसा ने भारत का मोस्ट प्रेस्टीजियस अवार्ड जीता। बिल्कुल एक माँ की तरह उन्होंने अपना पराया छोड़कर सबकी मदद की, which itself talks about her greatness. Although आज वो हमारे बीच नहीं है, उनकी जिंदगी हमेशा से ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करती आ रही है। So friends, this was all about our beloved Mother Teresa. We hope उनकी जिंदगी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही इंडिया की और भी कई सारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए भारत रत्न अवार्डीज ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.